महापंचायत राजस्थान के जिला अध्यक्ष बालूराम भीचर व देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजकरण गुजर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखकर अजमेर जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन दिया गया। देवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष सूरजकरण गुजर ने बताया कि पशुओं के लिए चारे पानी की बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसके चलते गरीब किसान बहुत परेशान है। मध्य प्रदेश सरकार ने राजगढ़ ब्यावरा बॉर्डर पर नाकाबंदी कर राजस्थान में जो गेहूं का भूसा, चने की तूड़ी और ज्वार की कुट्टी आती थी उस पर रोक लगा दी, जिससे किसानों को दोगुने चौगुने दाम से पशुओं के लिए खाद्य सामग्री खरीदनी पड़ रही है। अजमेर जिले में भी चारा माफियाओं ने भंडारण कर कालाबाजारी को बढ़ावा देने की पूरी तैयारी कर रखी है। गुजर ने पशुपालकों को चारे पर सब्सिडी देकर चारे के ट्रकों की बिल्टी पास करवाने के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर चारा डिपो अतिशीघ्र खोलने के लिए राजस्थान सरकार के मुखिया से मांग की। किसान महापंचायत राजस्थान के जिलाध्यक्ष बालूराम भीचर ने बताया कि राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री को बॉर्डर की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा जाए और किसानों के हित में अतिशीघ्र ठोस निर्णय के लिए आग्रह किया जाए।